नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। दोस्तों, मैं आपसे अलग अलग तरीके के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि कभी आपने सुने नहीं होंगे और कभी आपने वो यूज भी किए नहीं होंगे। इस स्ट्रेटजी में ना कोई फंडामेंटल है, ना कोई टेक्निकल है, ना कोई एडवाइजरी है। ये सिर्फ मैंने मेरे खुद के एनालिसिस से और मेरे पर्सनल व्यू से मैंने ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। आप ये जो स्ट्रेटजीज है, ये खासतौर पर जो नए ट्रेडर, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, उनको स्टॉक मार्केट की कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको मार्केट में से मिनिमम 1000 से 500 से 1000 लाख रुपए की डेली अर्निंग चाहिए होती है, और वो जो उस उम्मीद से मार्केट में उतरते हैं तो उनको समझ आता नहीं कि हमें अभी क्या करना है, और वो उल्टे पुल्टे ट्रेड करते हैं और उनको लॉसेस को झेलना पड़ता है। अगर नए ट्रेडर अगर ऑप्शन में चले जाते हैं तो उनको ज्यादा लॉसेस लेना पड़ता है। अब मैं ऐसे स्ट्रेटेजीज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इनमें आपको लॉसेस भी कम होंगे और प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन फिक्स होगा। अब वो कैसे कैसे करना है ये मैं आपको शेयर करना हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट आप लेते होंगे तो आपको आपकी जो अर्निंग है वो भी आपसे बढ़ देंगे, बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पहली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आपने अगर 50,000 रुपीज लेके मार्केट में आए और आपने आपने सोचा अभी मुझे ट्रेडिंग करना है और 50,000 से मुझे डेली के 500 से 1000 रुपए अर्निंग फिक्स चाहिए। अगर आप डेली 1000 रुपए भी 500 से 1000, यानी मैं मिनिमम 500 रुपए पकड़ता हूँ, मिनिमम 500 रुपए भी आपने पकड़ा तो भी आपको मंथ में आपको 15 से 20 हजार रुपए अर्निंग हो सकती है, वो भी सिर्फ 50,000 के कैपिटल से। अब ये कैसे करना है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजी मतलब ये नहीं कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही एक्सेप्ट करने होते हैं, तभी आप जाके स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। इतना ही ध्यान रखो कि लॉसेस ज्यादा ना हो और प्रॉफिट कम ना हो या ज्यादा ना हो, ये दोनों को आपको एक समांतर रखना होता है। अभी देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पास अगर 50,000 कैपिटल है और आप को तो मालूम है कि कोई भी ट्रेडर या कोई भी स्टॉक ब्रोकर आज के डेट में कैश में, जो कि निफ्टी 50 के कैश में जो टॉप शेयर से, उसके लिए 5 टाइम्स लिमिट दे, तो किसी को 5 टाइम लिमिट मिलता है, किसी को 2 टाइम लिमिट मिलता है, तो किसी को लिमिट ही मिलता नहीं, सेम मिलता है, बराबर। अगर आपके पास 50,000 रुपीज कैपिटल है तो आपको एक मान के चलो लमसम 1 लाख का आपको मार्जिन मिलता है इंट्राडे, ठीक है। आप ये एक लाख रुपए जो है ये हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें पहले देखना है। देखो सिंपल है, अगर आप एक ही ट्रेड में सब पैसा लगाओगे तो कुछ 19-20 होता है तो आपको बड़े बड़े लॉसेस लेने पड़ते हैं। हम ऐसे ट्रेड करेंगे कि अगर हमने लॉस भी हुआ तो भी हमें पता नहीं चलना चाहिए कि यार मेरा लॉस इसमें हुआ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो आपके पास जो 1 लाख रुपए का जो मार्जिन है, अभी उसको यूज कैसे करना है ये पहले समझते हैं। देखो, मार्केट सुबह 9:15 में चालू होता है, बराबर। मार्केट सुबह 9:15 चालू है, समझो मार्केट एक गैप अप ओपन हो गया है या समझो गैप डाउन ओपन हो गया। हमें क्या करना है, मार्केट को 2 घंटा छोड़ देना है, यानी कि 11 से 11 बजे तक आपको मार्केट देखना नहीं है। 11 बजे जैसे ही आप टर्मिनल ऑन करते तो आपको देखना है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, निफ्टी का हाई कितना हुआ है, लो कितना है। अगर निफ्टी ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी हमें देखना है। अभी ऐसे वक्त में जो 11 बजे के टाइम में देखना है, अगर मार्केट अप है और कुछ स्टॉक जो है, कुछ स्टॉक जो है वो 1 से 1.5% की गिरावट के साथ अभी फिलहाल कामकाज कर रहे हैं, तो 11 बजे के आसपास जो स्टॉक 1 से 1.5% की गिरावट है और जिनकी वैल्यू 500 से 1000 रुपए तक है,
जिनकी वैल्यू 500 से, मतलब एसबीआई के प्राइस क्या है भी 550 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ऐसे आपको शेयर निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने क्या किया, समझो एसबीआई है, एसबीआई का 500 रुपए का एक शेयर है। हमें क्या करना है, उस टाइम पर एसबीआई के 2 शेयर को सेल करना है, वो भी एमआईएस में, ना कि नॉर्मल में। ये सबसे ये ध्यान में रखिए, नॉर्मल में आपको ट्रेड करना नहीं है, ऑर्डर डालते समय आपको एमआईएस सिलेक्ट करना है, बराबर। एसबीआई का 500 रुपए पर आपने 2 शेयर सेल किए, आपकी कैपिटल कितनी यूज हुई, 1000 यूज हो गई, बराबर। ऐसे ही जो जो स्टॉक 1 से 1.5% या 2% की गिरावट है के साथ कामकाज कर रहा है, उनका आपको दो दो लॉट, जिनका वॉल्यूम 1000 रुपए तक होगा, वो आपको यहाँ पर सेल करना है। समझो 800 रुपए का एक स्टॉक है, वो आप एक सेल करो, एक क्वांटिटी में सेल करो। दूसरा कोई 350 रुपए का एक शेयर है, वो दो ती, 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 तीन तीन क्वांटिटी सेल करो। ऐसे समझो एक एक शेयर है 200 रुपए का है, उसके 5 क्वांटिटी सेल करो। ऐसे आपको जो आपका 1 लाख का जो मार्जिन है, जो फंड है, वो आपको 100, 50 से 100 कंपनी में डिवाइड करना है। मतलब ऐसे आपको ये 1 लाख जो मार्जिन है वो ऐसे डिवाइड करना है, जिसकी एक एक शेयर की वॉल्यूम होगी 1000 रुपए। ऐसे आपको 50 से 100 शेयर्स में आपको सेल करना है, सिंपल, वो भी एमआईएस में, ठीक है। मान के चलो आपने 500 रुपए पे एसबीआई का एक दो लॉट सेल किया, उसकी वैल्यू हो गई 1000 रुपए, आप छोड़ दो, एमआईएस में लग दो, और 12:30 बजे तक, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, जब मार्केट में एक दिन का एक जो निचला स्तर होता है, जब वो अपने सपोर्ट को टच करता है, तभी आपको देखना है आपने जो 100 शेयर्स के क्वांटिटी सेल में रख दी, जो जो आपको प्रॉफिट में दिख रहा है एमटीएम, आपको सिर्फ देखना है ऊपर एमटीएम देखना है। अगर आपको एमटीएम दिख रहा है पॉजिटिव है, 500-600 रुपए प्रॉफिट है, फटाफट अपना पोजिशन क्लियर अप करो। लॉस में हो तो भी पोजिशन क्लियर अप करो, प्रॉफिट में हो तो भी पोजिशन क्लियर अप करो। देखिए ये हुआ, सिर्फ इस हालत में क्या होता है, देखो आपने 100 शेयर, जो मैं ऐसे शेयर आपको बता रहा हूं कि मार्केट में अगर निफ्टी में ज्यादा बढ़त भी हो गई तो भी ये शेयर में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, बरोबर। समझो अभी निफ्टी 80 पॉइंट प्लस है, 80 पॉइंट प्लस होने के बाद भी कोई स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो 1 से 1.5% की गिरावट के साथ काम करते हैं, तो हमें क्या करना है, उनमें सेल करना है। और जब मार्केट निफ्टी जब एक 40-50 पॉइंट की एक गिरावट देता है, तब हमें उस स्टॉक में से एग्जिट करना है। अब इसमें रिस्क क्या नहीं होता, रिस्क क्यों नहीं होता, वो मैं आपको बताऊं। देखो अपने 100 शेयर के डिवाइड कर दे, 1 लाख रुपए अपने 100 शेयर में डिवाइड कर दिए, 100 शेयर में डिवाइड करने के बाद आपके समझो 100 में से 20 शेयर में आपको लॉस हुआ है और 80 शेयर में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो भी आपका एमटीएम पॉजिटिव प्रॉफिट है। अगर आप, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक लेंगे कि जिनमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, मान के चलो 100 शेयर में से 20 शेयर ने -1 से अगर डायरेक्ट पॉजिटिव भी गया, तो हमें क्या करना है, हमें अभी लग रहा है कि ये शेयर में एक शार्प रिकवरी आ रही है, तो हमें उस शेयर में से एग्जिट करना है, बराबर। तो हमें लॉस भी होता है तो मैक्सिमम 10 से 15 रुपए तक लॉस हो जाएगा एक शेयर में, और प्रॉफिट भी हुआ तो 5 से 10 रुपए एक शेयर में आपको प्रॉफिट होगा। तो आप एक बार ये जो स्ट्रेटेजी है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इसमें आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है, मैं इससे आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप 1 लाख रुपए लगा के दिन का 50,000 रुपए कमाएंगे, 10,000 रुपए कमाएंगे, लेकिन 1000 से 1.5 हज़ार रुपए आप इजिली अर्निंग कर पाओगे। क्योंकि आज के दिन कोई भी स्टॉक ट्रेडर या कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन में करता है, तो वो कोई भी अच्छी खासी प्रॉफिट में नहीं रहता। आपको तो मालूम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% लोग, 89% लोग ट्रेडर लॉस करते हैं। तो हमें बड़े बड़े प्रॉफिट भी नहीं चाहिए और बड़े बड़े लॉस भी नहीं चाहिए, हमको ऐसे चाहिए अगर मार्केट हमने सोचा उनके अगेंस्ट भी गया तो भी हमें लॉस कम हो, और हमने सोचा और मार्केट उस दिशा में गया तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो।
तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी ये मैंने पर्सनल व्यू पर्सनल एनालिसिस से बनाई है, आपको कैसी लग रही है? अगर आपको ऐसे ही स्ट्रेटेजी चाहिए, लेटेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, मैं ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाते रहूंगा जो मार्केट के रिलेटेड होता है कि जो मूवमेंट जो ट्रेंड के साथ चलती है, और ऐसे ट्रेड करके आप अर्निंग कर सकते हो, 100% नहीं लेकिन कर सकते हो, लॉस भी आपको मिनिमम रहेगा, ये गारंटी है। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आपको हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करने में आपकी सहायता करूं और नए नए स्ट्रेटेजीज आपसे शेयर करूं। ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे यस या नो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी आपको सही नहीं लग रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए मैं, आप मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं हो। यस तो दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको अच्छे अच्छे नए नए स्ट्रेटेजी आपके शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।